गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक वीडियो लेकर के आई हूं जो कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूं। आज मैं आपके सामने एक कंपैरिजन वीडियो लेकर के आई हूं जो कि फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर ब्रश है, साथ में अगारो का हेयर स्ट्रेटनर ब्रश है। दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा बेटर है। उसके बाद फिर आप भी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हेयर कॉम ब्रश लगता है, ये आप मुझे भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर ब्रश जो कि कुछ इस तरह की बॉडी में आता है, एंड इसके जो ब्रिसल्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे आपको 360 डिग्री रोटेट होती है यहाँ की वायर। यहाँ पे आपको ये होल्ड करने के लिए भी मिलता है, मतलब आप इसको कहीं टांग सकते हैं। 2 मीटर की इसकी लेंथ है, वायर की है, एंड यहाँ पे 2 पिन प्लग है। तो अगर हम देखते हैं तो ये फिलिप्स का जो हेयर स्ट्रेटनर ब्रश है वो थोड़ा चौड़ा है, एंड इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे तो ये अगारो वाला थोड़ा सा स्लीक है एंड ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर आप कहीं ट्रैवल में इसको ले जाना चाहते हैं तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो मैं आपको पास से इसका लुक दिखा देती हूँ। फिलिप्स का ये हेयर कॉम ब्रश है, एंड ये चौड़े पैडल का है। इसके जो ब्रिसल्स हैं वो काफी सॉफ्ट हैं। यहाँ पे आपको 2 टेम्परेचर सेटिंग मिल जाती है, तो ये 170 डिग्री एंड 200 डिग्री तक गर्म हो जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं तो ये कम्प्लीटली आपके बालों को फ्रिजीनेस नहीं ख़त्म करता है। तो अगर आपके बाल मीडियम हेयर हैं तो ये आपके बालों को सूट करता है और अच्छे से स्ट्रेट कर देता है। फिलिप्स के इस हेयर ब्रश पे PTC हीटिंग एलिमेंट है, एंड गाइस जो इसका पैडल ब्रश है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, जिसकी वजह से जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं और वो हीट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है, जिसकी वजह से कि जो हमारे बाल हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या प्राइस है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो फिलिप्स का हेयर कॉम ब्रश इसका प्राइस 3200 रुपीज़ है। तो अब हम बात करते हैं अपने अगारो हेयर स्ट्रेटनर ब्रश के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लीक एंड पतला सा है। इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बालों में अच्छे से फंस करके स्ट्रेट करता है आपके बालों को, एंड ये भी 360 डिग्री जो है वो रोटेट होता है। एंड इसको भी हैंग करने के लिए यहाँ पे आपको एक लूप मिलता है। इसकी वायर भी 2 मीटर की है, साथ में 2 पिन का यहाँ पे आपको प्लग मिलता है, और ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। आप इसको ईजिली अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगारो के हेयर स्ट्रेटनर कॉम के बारे में। इसमें आपको टोटल 5 टेम्परेचर सेटिंग मिल जाती है, 130, 150, 170, 190 एंड 210 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म होता है आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, एंड ये आपके बालों को बहुत अच्छे से फ्रिजीनेस ख़त्म करता है। आपकी क्वालिटी, बालों की क्वालिटी के हिसाब से आपके बालों को स्ट्रेट करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिलिप्स वाला अगर आपके बहुत घने बाल हैं तो वो बहुत अच्छे से स्ट्रेट करके नहीं देता है, अगर आपके कर्ली बाल हैं तो नहीं देता है। बट ये जो हेयर कॉम ब्रश है ये बहुत अच्छे से आपके बालों को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही आप इसको प्लग इन करते हैं इसमें एक ब्लू कलर की लाइट जल जाती है। तो चलिए अब मैं आपको इसको अपने बालों को स्ट्रेट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बालों में हीटिंग स्प्रे जो है प्रोटेक्शन लगा लिया है, और बहुत सारी बातें हैं जो दोनों ही हेयर स्ट्रेटनर ब्रश में कॉमन है, जैसे कि इसमें भी PTC एलिमेंट का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये भी बहुत ईजीली 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से गर्म हो जाता है हीटिंग ब्रश, और ईजीली आपके बालों को स्ट्रेट कर देता है। एंड गाइज, ये जो अगारो का स्ट्रेटनर कॉम ब्रश है ये आपके ये ऑटो सट ऑफ इसमें फीचर है, मतलब जब ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है तो ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है। तो अगारो का जो स्ट्रेटनर ब्रश का ब्रिसल्स है ना, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पास में हैं, तो उसको जब आप अपने बालों में इस तरह से स्ट्रेट करते हैं तो इक्वली हीट देता है और आपके बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर देता है। तो चलिए अब मैं इसकी प्राइस ही बता देती हूँ। इसका प्राइस है 2499 रुपीज़, अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाता है। तो मतलब हम लोग तो पैसे भी देखते हैं ना, कितने का कौन सा हेयर स्ट्रेटनर ब्रश है जो अच्छा भी है एंड उसका प्राइस भी कम है, तो ये प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो चलो अब मैं आपको फिलिप्स वाला यूज़ करके दिखा देती हूँ, इससे तो मेरे बाल अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं। तो ये देखिए,
जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें दो ही टेम्परेचर सेटिंग है, तो मैं यहाँ पे सेट कर ले रही हूँ अपने बालों के अकॉर्डिंग, और मैंने यहाँ पे हीटिंग प्रोटेक्शन भी लगा लिया है, और अब मैं अपने बालों को यहाँ पे स्ट्रेट करना स्टार्ट करूँगी। मेरे बाल तो इतने ज़्यादा थिक नहीं हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं तो ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बालों को स्ट्रेट करने में, बट अगर मैं देखूँ तो मेरा बाल तो अच्छे से स्ट्रेट हो गया था। तो आप लोग अब बताइए आपको कौन सा ज़्यादा स्ट्रेटनर अच्छा लगा, हेयर कॉम्ब स्ट्रेटनर अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको दोनों के फ़ीचर्स बता दिए हैं, कुछ फ़ीचर्स हैं जो दोनों के सिमिलर हैं एंड कुछ फ़ीचर्स हैं जो थोड़े से अलग हैं। तो लीजिए फाइनल लुक मेरा यहाँ पे आपके सामने है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताइएगा। सो गाइज आई होप आपको मेरा ये वीडियो कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।